परिणीति की शादी को हुआ एक साल। मिसेस राघव बनते ही दिल्लीवासी हुई परी। पंडारा रोड पर है परिणीति का ससुराल। देखिए मिस्टर एंड मिसेस चड्ढा का घर। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के लिए आज का दिन है बेहद खास। यही वो दिन है जब उदयपुर की लीला होटल में सात फेरों के बाद सात जन्मों के साथी बन गए थे दोनों। हालांकि शादी की पहली सालगिरह पर दोनों ने ही कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है, लेकिन परी की मां ने वेडिंग पिक शेयर कर बेटी और दामाद को शादी की बधाई जरूर दी है। साथ ही दोनों की शादी की कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की है। आपको बता दें, मिसेस राघव चड्ढा बनने के बाद से परिणीति चोपड़ा का नया पता दिल्ली का पंडारा रोड हो गया है। शादी के बाद से एक्ट्रेस ज्यादातर वक्त अब ससुराल में ही रहती हैं। वहीं कपल अक्सर लंदन में हॉलीडेज के लिए जाता रहता है। परिणीति को जब फिल्मों की शूटिंग करनी होती है या फिर कोई काम होता है तब वो मुंबई जाती हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद से परिणीति और राघव हर त्योहार अपने दिल्ली वाले सरकारी बंगले में ही मनाते हैं और फिर एक्ट्रेस वहां की तस्वीरें शेयर करती हैं और दिखाती हैं अपने शानदार ससुराल की झलक। पिछले दिनों उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वो पति राघव संग पाठ करती हुई दिख रही थी। वहीं दूसरे पिक्चर्स में उनके घर के में पपी और बच्चे साथ में खेलते दिख रहे थे। इससे पहले भी परिणीति ने करवा चौथ और दिवाली पर अपने ससुराल की ढेर सारी तस्वीरें शेयर की थी। दिवाली पर वो पति के साथ अपने घर में दिए जलाती हुई नजर आई थी। उस दौरान राघव और परी ने ट्विनिंग करके ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। करवा चौथ के दौरान भी परिणीति के ससुराल का भव्य नजारा उनके फैंस को देखने को मिला था। तब उनका ससुराल लाइट से जगमगा रहा था और परी अपने पति के साथ घर के आगे खड़ी नजर आई थी। राघव चड्ढा ने शादी से पहले अपने घर का बहुत शानदार इंटीरियर कराया था। कपल के घर का मेन डोर सांगवान की लकड़ी से बना है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। परिणीति के घर का लिविंग रूम भी काफी बड़ा है। आपको बता दें कि दुल्हन के स्वागत के दौरान उनका लिविंग रूम इतना बड़ा दिख रहा था और ढेर सारे लोग वहां बैठे थे, तब भी ये इतना बड़ा था कि सभी लोग वहां आसानी से बैठे हुए थे। राघव चड्ढा के लिविंग रूम को पूरा व्हाइट लुक दिया गया है। परिणीति और राघव के वेडिंग वीडियोस में भी उनके दिल्ली वाले घर का इनसाइड नजारा खूब दिखा था। बता दें, आम आदमी पार्टी के पॉपुलर लीडर राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं और सरकार की तरफ से उन्हें ये बंगला मिला हुआ है। दिल्ली के पंडारा रोड पर राघव टाइप 7 बंगले में रहते हैं। आपको बता दें, परिणीति चोपड़ा फिलहाल राघव के साथ इसी बंगले में रह रही हैं। राघव चड्ढा के दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 7 बंगला नंबर AB5 9 नवंबर 2022 को यहाँ शिफ्ट हुए थे। आपको बता दें, परिणीति जब पहली बार ससुराल पहुंची थी तो उनके स्वागत में पूरे घर की शानदार सजावट की गई थी। राघव का 2 मंजिला बंगला व्हाइट कलर से पेंट हो रखा है। उनके घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन एरिया है जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं। इस घर का गार्डन एरिया काफी बड़ा है। उनका घर बाहर से भी बहुत भव्य दिखता है। वहीं शादी के दौरान इनके गार्डन एरिया की बहुत अच्छी सजावट की गई थी। परिणीति चोपड़ा जब दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची थी तो उनके घर के गार्डन एरिया में जबरदस्त आतिशबाजी की गई थी। ढोल नगाड़े बजे थे और फिर दूल्हा दुल्हन साथ में नाचते दिखे थे। वैसे आपको बता दें कि शादी से पहले ये बंगला विवादों में भी आ गया था। कहा जा रहा था कि राघव को ये बंगला खाली करना पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने पद के हिसाब से ज्यादा बड़ा बंगला अलॉट करवाया है, लेकिन बात जब कोर्ट में गई तो कोर्ट में राघव चड्ढा की जीत हुई। आपको बता दें कि शादी के बाद से ही परिणीति चोपड़ा अब इस घर में मिसेस चड्ढा बनकर रह रही हैं। कभी कभार मुंबई जाती हैं, फिर अपना काम लौटाकर दिल्ली लौट आती हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद से परिणीति के सास ससुर भी उनके साथ ही रहते हैं। राघव चड्ढा के मम्मी पापा अलका और सुनील चड्ढा भी अपनी बहू परिणीति के साथ ही रहते हैं। परिणीति की एक ननद भी है जिनकी शादी हो चुकी है और वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।